माय डियर स्टूडेंट्स, अवर चैप्टर इज गोइंग ऑन चैप्टर नंबर 7, जक्स एंड मक्स। हेयर टुडे आई एम डिस्कस द टॉपिक ऑफ सब्ट्रैक्शन दैट इज ऑलरेडी नोन एज डिफरेंस। ओके, सो आई एम राइट हेयर टू क्वेश्चन एंड हेयर आई एम राइट वन क्वेश्चन। सो दीज आर दी क्वेश्चन आर वेरी ईजी एंड दीज क्वेश्चन आर वेरी लिटिल बिट टफ। So let's discuss with the question number first. Here I'm write 4 liter 750 milliliter from 7 liter 857 milliliter. So you write liter value here left side and the milliliter value right side. So here I'm write मिलीलीटर वैल्यू एंड हेयर आई एम राइट लीटर वैल्यू। मिलीलीटर वैल्यू को आपको यहाँ लिखना है और लीटर वाली वैल्यू को आपको यहाँ पर लिखना है। सो मैंने यहाँ पर लिखा है 857 मिलीलीटर और यहाँ पर 750 मिलीलीटर और यहाँ पर 7 लीटर एंड 4 लीटर। फ्रॉम जहाँ भी आपका लिखा रहता है, इसका मीन्स है कि आपको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, नहीं तो आप क्या करेंगे, 4 लीटर में से आप 7 लीटर को माइनस करने करेंगे या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको पहले देखना कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसको ऊपर लिखना है, फिर आपको नीचे वैल्यू जो छोटी होगी उसको लिखना है। सो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 7 माइनस 0 इज 7, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 8 में से 7 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1। एंड हेयर 7 माइनस 4 इज 3, तो आवर आंसर इज 3 लीटर 107 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 14 लीटर 730 मिलीलीटर फ्रॉम 37 लीटर 970 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम करेंगे मिलीलीटर वाले को यहाँ लिखेंगे, लीटर वाले पार्ट को अगेन हम इसी तरह लिखेंगे। ये एक तरीका होता है लिखने का, ये आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिलीलीटर वाले पार्ट में लीटर लिख दीजिए और लीटर वाले पार्ट में मिलीलीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। और सबसे ध्यान देने वाली बात ये बात होती है कि आपको साइन जरूर लगाना है। साइन से ये पता लगता है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, एडिशन हो रही है। ठीक, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 37 लीटर और 14 लीटर एंड 970 मीटर एंड 730 मिलीलीटर को यहाँ लिख लिया। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 7 में से 3 करेंगे तो 4, 9 में से 7 करेंगे सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा, 2। एंड हेयर 7 माइनस 4 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, तो आवर आंसर इज 23 लीटर एंड 240 मिलीलीटर। लुक एट हेयर, कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर देन सब्ट्रैक्ट। आपको सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी वैल्यू दी होगी सबसे पहले उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है और देखना है कि कौन सी वैल्यू किस में सब्ट्रैक्ट होगी। यहाँ पर मैंने लिखा है 5 लीटर 653 मिलीलीटर फ्रॉम 8 लीटर 950 मिलीलीटर। अब यहाँ पर 5 लीटर 653 मिलीलीटर को हम कन्वर्ट करके लिखेंगे मिलीलीटर में, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, 5 लीटर प्लस 653 मिलीलीटर, यानी 5 लीटर प्लस 653 मिलीलीटर, यानी इस वाली वैल्यू को मैं ये वाली वैल्यू में को लिख सकता हूँ। और हम सभी जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। जब भी हमें मिलीलीटर वाली वैल्यू को लीटर वाली वैल्यू को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 1000 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 लीटर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से तो ये हो जाएगा मेरा 5000 मिलीलीटर प्लस 653 मिलीलीटर। अब ये दोनों वैल्यू हैं हमारी मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गई हैं। अब इन मिलीलीटर वाली वैल्यू को मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर होगा 5653 मिलीलीटर एंड नेक्स्ट वैल्यू 8 लीटर 950 मिलीलीटर। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 8 लीटर प्लस 950 मिलीलीटर
8 लीटर को मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा हो जाएगा 8000 मिलीलीटर प्लस 950 मिलीलीटर। अवर आंसर इज 8950 मिलीलीटर। अब ये दो वैल्यू जो वैल्यू थी मेरी हो गई मिलीलीटर में। अब मैं इनको सेपरेट कर लूँगा, बड़ी वैल्यू मेरी है ये वाली और छोटी वैल्यू है ये वाली। तो मैं यहाँ लिखा मैंने 8950 मिलीलीटर सब्ट्रैक्ट 5653 मिलीलीटर। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जीरो में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होगा, इसके लिए हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। तो हम से कैरी लेंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना बचेगा 4, 4 में से 5 नहीं जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ पे से कैरी ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएंगे तो यहाँ कितना होगा 9, अगेन यहाँ पे हमने कैरी यहाँ पे दे दी है तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, 8 में से 6 कितना हो जाएगा यहाँ 2, और यहाँ पे 8 माइनस 5 इज 3। अब आर आंसर इज 3297 मिलीलीटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टू क्वेश्चन एंड दिस इज स्पेशल क्वेश्चन। थैंक यू।